थर्ड पार्ट है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग वेल इट कॉस्ट रुपीज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय रुपीज 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर. पहले मीटर जो डिग खोदने के लिए कितने रुपए मिलते हैं लेबर को, 150 रुपीज. और उसके बाद जैसे ही वो एक मीटर खोद लेता है, उसके बाद फिर वो एक एक मीटर अगर खोदता जाएगा तो उसको पर मीटर कितना मिलेगा, 50 रुपीज मिलेगा. समवॉट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर वन है ना, जो आपका पहला पार्ट था उसके सिमिलर है. ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला अगर आप फर्स्ट मीटर डिग करते हैं तो कितने रुपीज मिलते हैं, 150. उसी तरह सेकंड मीटर डिग करेंगे तो सेकंड मीटर के लिए फर्स्ट मीटर तो डिग कर ही लिया होगा, तभी आप सेकंड करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, 150 तो मिला ही था प्लस 50 और कितना हो जाएगा, 200. A3 कितना हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A3 मतलब 3 मीटर डिग किया है. 3 मीटर डिग करने के लिए 2 मीटर तो डिग किया ही होगा, फिर आपने 1 मीटर और किया तो क्या होगा, 200 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 250. ओके, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि A2 माइनस A1 मीन्स 200 माइनस 150 विच इज इक्वल टू 50 आ रहा है, और A3 माइनस A2 वो भी आ रहा है आपका 250 माइनस 200 विच इज इक्वल टू 50. ओके, तो ये आपके कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. तो कॉमन डिफरेंस है डी इज क्या, सेम. डी क्या है आपका, सेम है. क्लियर, तो ये था आपका थर्ड. और जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था वो AP में आ गया आपका आंसर. अब फोर्थ भी चेक करते हैं. फोर्थ जो है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम. 10,000 को डिपॉजिट किया है 8% पर एनम पर ईयर जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है. पर आपको ये पता करना है कि जो ये मिल रहा है वो AP फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो सबसे पहले जो A1 है वो तो कितना है आपका, 10,000 है ना, क्योंकि 10,000 डिपॉजिट किया है. ठीक है, तो A2 मतलब एक साल गुजरने के बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 8% मिलेगा, किस पे, 10,000 की रकम पे, 10,000 के अमाउंट पे. तो 8% ऑफ 10,000 प्लस 10,000, क्योंकि 10,000 तो है उस पे 8% मिल रहा है, तो 8% 10,000 का कितना हो जाएगा, 8/100 इंटू 10,000, तो 2020 से कटेंगे, ये हो जाएगा प्लस 10,000. तो ये तो एज इट इज लिख दूँ, तो ये हो जाएगा 10,800, क्योंकि ये आएगा आपका 800 और 10,000. तो A2 कितना मिला, A2 मिला एक साल बाद कितने रुपए मिलेंगे, 10,800. अब तीसरे साल बाद, तो तीसरे साल बाद मतलब A3 थर्ड ईयर में ये क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगी. तो 10,800 प्लस 8% ऑफ 10,800, क्योंकि अब 10,000 पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो सम कितना बन गया आपका, 10,800, उस पे 8% मिल रहा है. तो 10,800 प्लस 8% ऑफ 10,800 आ जाएगा 864. तो इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8861111664. तो ये आया A3. ठीक है, तो अब आप चेक करिए A2 माइनस A1 चेक करते हैं. तो A2 कितना था, 10,800 में से 10,000 जाएगा, तो A2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी आएगी, 800 आएगी. फिर हम करते हैं A3 माइनस A2. A3 कितना है, 11,664 माइनस A2. A2 इज व्हाट, 10,800. तो 11,664 और ये हो गया 10,800, 4,668 और 864 है ना, ये आएगा आपका 864. तो आप देख सकते हैं A2 माइनस A1 कितना आ रहा है, 800. A3 माइनस A2 कितना आ रहा है, 864. इक्वल नहीं है, तो D सेम नहीं है ना. तो आप बोल सकते हैं कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2, देयरफॉर इट इज़ नॉट इन AP. ये AP में नहीं होगा. ठीक है,